बड़े बड़े सरपंच को लपेट के आयो है और किसी सरपंच ने नागने मेरे लाला पर फुफकार दिया तो एक तो पहले से वो सामरा है और ये बिस्तर की फुफकार उस पर पड़ेगी तो और गाल हो जाएगा। अरे तेरा रूप रूप बेढंगा बेढंगा बड़े बड़े सरपंच को लपेट के आयो है किसी सरपंच ने नागने मेरे लाला पर फुफकार दिया तो एक तो पहले से वो सामरा है और ये बिस्तर की फुफकार उस पर पड़ेगी तो और गाल हो जाएगा। मिसलो बाणवा हम तो विजय स्नान करते हैं। देखो एक बात याद रखना, भगवान शिव न गांजा पीते न भांग खाते, बहुत अच्छी तरह से सुन लो। वो प्रमादी लोग होंगे जो भगवान शिव को कहते हैं वो भांग खाते हैं। कभी कभी लोग कहते हैं एक भूत शिव से बोला, कांधे पे रख के झोला, बोला भांग खाओगे या गांजा पियोगे। ना भैया, ना वो गांजा पीते ना भांग खाते, वो भांग स्नान करते। विजय स्नान है वेद में। जो वेद के पुराणक जो ब्राह्मण आचार्य उनसे पूछो, भगवान को भांग का स्नान कराया जाता है। विजया में विष्णु समन करने का सामर्थ्य भगवान शिव के कंठ में गरल विद्यमान है, इसलिए भांग औषधि है, दवा है। लेकिन आई बजाए ग्वालियर
सूरदास प्रभु भूतन को निहारे, सूरदास प्रभु भूतन को निहारे, सूरदास प्रभु भूतन को निहारे, सूरदास प्रभु भूतन को निहारे। सकल जीव को दुनिया सखी, सकल जीव को दोस्तों। तो अभी यहाँ पे देखिए गोवर्धन पूजा का जैसे ही प्रोग्राम स्टार्ट हुआ इतनी बारिश हुई, मतलब जैसे हम लोग सजावट एक गोवर्धन पर्वत बना रहे थे वैसे ही बारिश, इतना बिजली तड़क रहा था। देखिएगा पीछे जो खड़ा है तो उसके पीछे पानी गिर रहा है टेंट से, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। गुरुजी बोले कि उस समय भी जैसे भगवान जी जब ये चीज़ किए थे, बारिश हुआ था इंद्रदेव, आज भी वो चीज़ किए, मतलब ये जो भागवत हो रहा था ये सफल हुआ है, भगवान खुश है। इतना आँखों में आंसू सबके आ गया था कि क्या ही हम बताएं, और इतना अच्छा लग रहा है। हम लोग आप लोग सोचेंगे हम लोग सिर्फ डांस ही कर रहे हैं, तो वीडियो सिर्फ डांस में डाल रही हूँ अभी जाके इसका, क्योंकि गुरु जी बोले हम लोग दो दिन तक नहीं डांस किए थे, मतलब हाँ, तो उन्होंने बोला कि आज जो भगवान के भागवत में अपना नृत्य करता है, दिखाता है, मस्त होके मगन होके भगवान तक जाता है, बाकी जो ऐसे गाने पे नाचते हो तो ऐसे लोग नाचते हैं, इसीलिए सब लोग डांस करने लगे, मतलब चाचा लोग, भैया लोग, हर कोई डांस करता है। इसीलिए बोले हमेशा भगवान के भजन, मग्न होके एकदम मस्त लीन हो जाओ भगवान में करो। तो चलिए यहाँ पे गोवर्धन पूजा हो रही है, अभी इसके बाद वीडियो आएगा, रुक्मणी विवाह होगा, फिर सुदामा मिलन होगा, तो इतना अच्छा लग रहा है कि क्या ही बताएं, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब टाइम कब पास हो जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा, सुबह से भजन भजन। तो चलिए आप लोग बने रहिए, देखते रहिए वीडियो को, अपना ढेर सारा प्यार सपोर्ट दीजिए, और बोलिए राधे राधे।